देखिए कितने स्पंजी बने हैं। आज हम दही बड़े बनाएंगे। दही बड़े बनाने के लिए हमने पौन कटोरी पौन कप ये उड़द का मोगर लिया है और 1/4 कप हमने मूंग का मोगर लिया है और उसे हमने 3-4 घंटे पहले पानी में सोक कर लिया है, गला लिया है अच्छे से। और इसको 3-4 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको मिक्सी में पीस के इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम पानी निकाल के बिल्कुल पानी ड्राई कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे हम। सारा पानी इसका अधिकतर पानी निकाल लेते हैं और इसको बिना पानी के ही अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो हमने मिक्सी से निकाला है दही बड़े का घोल, उसको हम हाथ से फेंट के 5-7 मिनट अच्छे से हाथ से फेंटेंगे तो ताकि बहुत ही फ्लफी स्पंजी और सॉफ्ट दही बड़े बनेंगे। तो इसको हम 5-7 मिनट हाथ से फेंट लेते हैं, फिर दही बड़े बनाएंगे। देखिए 5-7 मिनट हाथ से फेंटने के बाद कितना अच्छा फ्लफी हो गया है, बहुत ही अच्छे फ्लफी आ गया है, देखिए कितना अच्छा। अब इसके हम दही बड़े बनाएंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा 1/2 चम्मच सिका हुआ जीरा डाल देते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं मिक्स करके। देखिए बहुत ही फ्लफी हो गया है। अब इस चम्मच को साफ करके हम गीले पानी में डाल देते हैं और इसे ले लेके हम दही बड़े बनाते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब ये थोड़ा सा हम मीडियम आंच पर कर देते हैं, बहुत तेज़ आंच पर नहीं सेकते हैं। इसको हमने पानी में चम्मच को पानी में डाल के अब इसमें लेते हैं ताकि वो आसानी से बढ़ा। देखिए बड़े बहुत ही अच्छे फूल के सॉफ्ट बने हैं। इसको हम धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आंच पर इसको हम नहीं सेकेंगे, नहीं तो हमारे दही बड़े बड़े जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, बाहर से तो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे अब इनका कलर गोल्डन ब्राउन की तरफ हो रहा है। इसे हम धीरे आंच पर 2-3 मिनट और सेकेंगे, फिर हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इनको निकाल कर बाहर रख लेते हैं और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब तक बड़े तल रहे हैं हम दही को बांध कर पानी इसका खट्टा पानी निकाल देते हैं और इसको देखिए इस तरह से हमने दही को बांध दिया है और इसमें से सारा पानी निकाल देते हैं। शक्कर पीसी हुई शक्कर हम इस दही में मिला लेते हैं और जब तक अच्छा सा दही मीठा हो जाए इसको टेस्ट कर लेते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम मीठा कर लेते हैं। थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर करते हैं हम और उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा सिका हुआ जीरा। अब ये हम
बड़े हैं इस पानी में डाल देते हैं। और इनके ऊपर इसको डुबाए रखने के लिए ये रख के इसके ऊपर थोड़ा सा बर्तन रख देते हैं ताकि ये पानी में डूबे हुए रहे। इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। अब एक बार हम वापस दही बड़े जो हमने पानी में डाल रखे हैं उसको धुंगार कर जो खुशबू आती है हींग की उसके लिए एक बार वापस हम इसमें छाने के एक टुकड़े को हमने गर्म कर लिया है, इसको हम कटोरी में रखते हैं। कटोरी में रखने के बाद इसके ऊपर घी डालते हैं और अच्छी सी इसमें थोड़ी सी हींग डालते हैं। हींग और थोड़ा घी और डाल देते हैं ताकि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको हम तपेली में रख के और ढककर ढक देते हैं। थोड़ा जब इसमें खुशबू आ जाएगी तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी हम वापस डाल देंगे। गई है उसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं जो इसमें पूरा धुएं से भर जाएगा। इसको निकाल देते हैं और इस पानी को इसमें डाल देते हैं। हींग का धुआं धुंगार पूरा इसमें पानी में घुल चुका है। अब जो ये दही बल्ले हैं देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए जालीदार। इनको हम एक बार वापस इसमें डाल देते हैं। ये भी ल्यूक वार्म वाटर है तो इसमें सारे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अच्छे से पानी पी लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे एक बार फिर। और इसमें जो धुएं का पानी है इससे हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी इसमें और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं। एक घंटे बाद हम इसे ऐसे पानी निकाल के बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट बना है। हमारे दही बड़े बन के तैयार है। इस दही में शक्कर डाल दी हमने, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सिका हुआ जीरा, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा पुदीना, इमली की चटनी और हरे धनिया की चटनी डाल देते हैं। हम चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन और अनार के दाने भी डाल सकते हैं।